नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रमसा। देखिए तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि प्रभात झा ने गृहमंत्री से मुलाकात की है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर हुई मुलाकात। प्रभात झा ने मुलाकात को बताया सौजन्य भेंट। प्रभात झा ने गृहमंत्री से मुलाकात की है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर यह मुलाकात हुई है। प्रभात झा ने मुलाकात को बताया सौजन्य भेंट। इसी पे और जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। लेकिन हम तो सामान्य अपने गृहमंत्री, प्रदेश के वरिष्ठ नेता से सहज भेंट होती है, तो सौजन्य भेंट करने में कोई नहीं है। आए हैं, नाश्ता किए, बातचीत हुई, अब हम जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सर, मैं वैसे भी आता रहता हूँ। टाइमिंग कल कैलाश जी देर रात में 3-4 बड़े नेताओं के यहाँ पहुँचते हैं, पहले वो भी आए थे गृहमंत्री के पास में, फिर आप पहुँचे। देखिए, और कहाँ जाएंगे अगर मैं अपने मंत्रियों के नहीं जाऊँगा, खास करके नरोत्तम हमारे पहले संभाग के ही है, तो ये तो सहज है, सहज प्रक्रिया है। अभी किसी तरीके का कोई चिंतन मंथन अलग से नहीं? चिंतन मंथन ये सब करने का कार्य जब चलता है तो आपको ही पता है। इस समय तो हम सहज भेंट करने आए थे, सौजन्य भेंट करने, नाश्ता किए, बातचीत हुई, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, जिस तरीके से प्रभात झा ने गृहमंत्री से मुलाकात करी है जी, बिल्कुल इरम, दरअसल आप देखें कि कोई भी दो बड़े नेता मिलते हैं तो उसके कई मायने निकल कर सामने आते हैं, और तब जब सियासी गर्मियां तेज हों, तेज इस आशय से भी हैं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय आप देखें कुछ अभी नरोत्तम मिश्रा से भेंट करके ही गए हैं, तो ऐसे में अब वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसके बाद प्रभात झा का आना, ये कुछ भी यानी कि भले ही ना हो, सौजन्य मुलाकात हो, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज होने के लिए काफी है। और बड़े नेताओं की मुलाकात इतनी सहज नहीं होती जितना वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया कि सौजन्य भेंट, बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सियासी समीकरण होते हैं जिन पर चर्चा होती है, और ये अहम मुलाकात मानी जाएगी दो बड़े दिग्गज नेताओं की। ऐसी ही मुलाकात अभी दो रोज पूर्व हम देखें कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की हुई थी, उन्होंने भी इसे सौजन्य भेंट ही कहा था, लेकिन सौजन्य भेंट का आशय सिर्फ सौजन्य भेंट नहीं होता, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सियासत अभी थोड़ा सा अभी आप देखें कि सरगर्मियां जब कोरोना काल से निपट रहे हैं, सरकार निपट रही है, और कोरोना के बीच बंगाल चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश पर जब सबका फोकस है, अभी भाजपा के बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल और अभी के 2 साल पूरे होने के बाद हुए थे, राष्ट्रीय जो मंत्री है, सह संगठन मंत्री वो आए थे, से प्रकाश जी प्रभारी है मध्य प्रदेश के, वो उनको कम से कम ये सब चीजें, सियासत में जब बड़े नेताओं का जमावड़ा होता है तब सियासत में नए समीकरण सामने आते हैं, और यही एक लाइन है जो लोगों को समझ में आ रही है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है, ये इंटरेस्ट है लोगों का कि आखिर सियासत में अब मध्य प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है, और इसी सिलसिले में ये मुलाकातें जो हैं, ये मुलाकातें नए नए समीकरण पैदा करने के लिए काफी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पे तो प्रभात झा ने गृहमंत्री से मुलाकात करी है, और प्रभात झा ने इस मुलाकात को एक सौजन्य भेंट बताया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर यह मुलाकात हुई है दोनों की।